नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर भारी बारिश और बादल फटने को लेकर आ रही है। जी हां साथियों, बता दें मात्र दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर आ रही है सिक्किम से, जहां पर अचानक बादल फटा और 1200 पर्यटक दोस्तों बुरी तरह से फंस चुके हैं। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों आपको बता दें, अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग बाढ़ में बह गए हैं। सिक्किम में दोस्तों बता दें कि यहाँ पर मंगन जिले में बादल फटा है, जिसके कारण बारिश और बाढ़ के कारण यहाँ 6 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर 220.1 mm से अधिक बारिश हुई है। राज्य सरकार ने दोस्तों ये बड़ी जानकारी दी है। राज्य के पर्यटन विभाग के अनुसार 1200 से अधिक घरेलू पर्यटक और 15 विदेशी नागरिक मगन शहर से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित लांचुंग गाँव में फंसे हुए हैं। विदेशी नागरिकों में 10 बांग्लादेश से, 3 नेपाल से और 2 थाईलैंड से हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मगन जिले में भूस्खलन से प्रक्षेप और अभी थांग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। प्रक्षेप में एक राहत शिविर बनाया गया है। राज्य ने पीड़ित परिवारों के लिए राहत की घोषणा कर दी है। जल्द राहत राशि जारी करने के लिए मंगन जिला प्रशासन को सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की मांग की गई है और ग्लेशियर दोस्तों बता दें कि झीलों को कोई भी यहाँ पर खतरा नहीं है। क्षतिग्रस्त जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको जल्द ही खोलने का आश्वासन दिया गया है। मौसम से जुड़ी सभी राज्यों की बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को आप अभी ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही आप हमारी वीडियो किस राज्य और कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताकर जाएं। धन्यवाद साथियों।